जिन्होंने कोरोना से फाइट लड़ी है, लड़कर अपने आप को ठीक रखा है, और जिनको हुआ वो ठीक भी हो गए, वो और भी बड़ी योजना है कि उन्होंने मतलब होने के बावजूद भी कोरोना को छोड़ा नहीं, हो पिटाई करना। तो मुझे लगता है कि बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीज वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना, गो कोरोना गो बैक कोरोना, गो कोरोना गो बैक कोरोना। लेकिन कोरोना इतना कमबख्त है, खुद तो जा नहीं रहा है, 2.0 भी आ गया, 20-20 में और एक 20 आ गया 2.0। मैं इस कोरोना से ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारी नीयत कितनी बुरी हो, देश में खासकर भारत में तुम्हारी कुछ नहीं चलने वाली, यकीन नहीं आता है, तो नेताओं की रैली उठाकर देखो, नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो मास्क, यकीन नहीं आता तो ट्रेनों में भीड़भाड़ देख लो, बसों में भीड़भाड़ देख लो, तुम किसी को हो रही हो नहीं हो पाओगी, क्योंकि हमारा देश महान है। तो उन्हीं महान नेताओं से निवेदन करता हूँ कि कलाकारों ने क्या बिगाड़ा है, हॉल शो शुरू करवा दीजिए, गुरुदेव इवेंट शुरू करवा दीजिए, परमिशन दे दिया कीजिए, हम कलाकारों को काम करने का मौका दीजिए, रोजी रोटी की का चांस दीजिए, क्योंकि बहुत है बुरा हाल, ओपन करो शो का हर हॉल। अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच। और ये अवार्ड मिलता है तो मुझे लगता है कि अवार्ड मिलते रहना चाहिए, उसी आदमी का हौसला बढ़ता है। और अच्छा किसान आंदोलन चल रहा है, आपको लगता है आप जिस तरह से आपकी जो एक कॉमेडी है लोगों में इंटरटेन किया लगता है, आपको किसानों को भी जाना चाहिए, आपको भी चाहिए। जय जवान जय किसान। किसान जो है हमारे अन्नदाता है, और मुझे लगता है कि अन्नदाता अगर कुछ भी हमसे, मेरी बातों को हमसे मांगते नहीं, हमेशा देते हैं, हमारे हमारा जो जीवन है आज हम वो मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम अपना पेट भर रहे हैं। तो किसानों का हल जो है हमें हर हाल में निकालना चाहिए, वो हमारे दिन रात मेहनत करते हैं, नॉन ग्लैमरस जिंदगी जीते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, लेकिन हमें अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं उनकी वजह से, और अच्छा जीवन मिलता है। तो मुझे लगता है कि उनका कोई भी प्रॉब्लम हो किसानों का सुनना चाहिए, एग्रीकल्चर पे ध्यान दो, क्योंकि देश में अब कल्चर के नाम पे सिर्फ एग्रीकल्चर बचा हुआ है। थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट। हाँ, नाइट कर्फ्यू जो शुरू हो रहा है, हमारा नाम है रतन मोरा और आज से नाइट कर्फ्यू शुरू हो रहा है पूरा के पूरा। तो भैया क्रिसमस भी मनाओगे तो 11 बजे तक ही मनाना, न्यू ईयर भी मनाओगे तो 11 बजे तक ही मनाओगे, 11 बजे के बाद अगर कुछ मनाओगे तो तुम्हारे 12 बज जाएंगे, बता रहा हूँ। इनको बड़ी चिंता है, इनको बड़ी। जो मुझे फाइट ले रहे हैं वो यही कहना चाहते हैं कि फिर उसका क्या होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोटा भाई की बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो सोचा है, उस तमाम सरकार ने जो सोचा है कि 11 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, तो आप संसद हो या बादशाह हो, ये मत भूलो कि हम मनुष्य हैं, कानून मत तोड़ो तो कानून तुमको तोड़ेगा। मैं साल के लिए कहना चाहूँगा कि पुराना साल जो था वो बड़ा ही मनहूस था, अब हैप्पी न्यू ईयर मत बोलो, सैड और बैड ओल्ड ईयर बोलो, ये साल नहीं ये साला था। साला क्यों? क्योंकि साला जो है बसरुत होता है, साली खूबसूरत होती है, अगला साल जो है वो साली होगा, क्योंकि बड़ा रोमांटिक साल होगा। 21 हैप्पी न्यू ईयर ऑल माय डियर, ऑल द बेस्ट। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, कितना रोमांटिक गाना, इसमें कहीं कॉमेडी हो सकती है क्या? लेकिन मैंने ढूंढ ली, कॉमेडी गुंजाइश हर जगह होती है, मैंने ढूंढ ली। इस गाने में खन्ना साहब ने इस रोमांटिक गाने में एक ऐसी लाइन बोल दी कि पहले मैं हंसा अब आप हंसेंगे। लाइन ये थी, हीरो से कह रहे हैं, मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, दुनिया के लिए हीरो बेहोश हो रही है, अब खुद ही सनम फैसला लीजिए। अच्छा, कभी कभी मेरे घर वाले भी गानों में बड़ा अच्छा रिएक्ट करते हैं। एक दिन अपने माँ से कहा कि माँ तू मेरी दुनिया है, आई एम श्योर हम सभी ये कहेंगे कि माँ तू मेरी दुनिया है, तो माँ बोली अच्छा अगर मैं तेरी दुनिया हूं
तो परसों उससे क्या कह रहा था, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। अच्छा, कुछ गाने ऐसे हैं जो आज के जमाने के हिसाब से बिल्कुल सोच समझ के लिखे गए। जैसे हमारे सभी प्रोफेशन में आज भी थोड़ा तरक्की करता तो ईगो आ जाता है, ईगो आ जाता है। आज तक किसी में आपके नहीं होगा। जो ताली बजाएगा उसमें नहीं है, जो बजाएगा उसमें बजा के होती है। तो ईगो जो होता है उसके लिए गाना बनाया दादू ने, बनाया रविंद्र जैन साहब ने ईगो वाले, और एक ईगो फ्री सॉन्ग भी बनाया। दोनों गाने में आपके सामने पेश करूं, मेरे हिसाब से वो इस तरह के होने चाहिए। ईगो वाला गाना, मुझको देखोगे जहां तक, ईगो वाला गाना, मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। ईगो, और जिसके अंदर ईगो नहीं है वो आदमी झुकना जानता है, वो आदमी पहल करना जानता है, उसके लिए गाना। तेरे दर पर चले आए, तू न आया तो हम चले आए, चले आए। ईगो फ्री सॉन्ग। रफी साहब और मुकेश जी और किशोर दा, ये तीन हमारे विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनका ऑलमोस्ट अभी इसी महीने के आगे पीछे महीने में या तो पुण्यतिथि है या तो आज है क्या आने वाले हुए। इन तीनों कलाकारों का जीवन में हमारे कितना बड़ा योगदान है, एक आइटम पेश कर रहा हूँ। आइटम मतलब जो, ठीक है, पेश कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। जब प्यार होता है कॉलेज के जमाने में, जब प्यार होता है तो आदमी जो है प्यार मोहब्बत में किशोर अवस्था में किशोर दा के गाने गाता है, रोमांटिक गाने, लड़की से करते देखकर रोमांटिक गाना गाता, कहता है प्यार मांगा है तुम्हीं से ना इनकार करो, पास बैठो जरा रब तो इकरार करो, मुझे प्यार करो। लड़की ये आवाज और ये अंदाज सुनकर बहुत खुश हो जाती है, दोनों एक दूसरे पे फिदा, और दोनों हो जाते हैं शादीशुदा। अब प्यार खत्म। आप हिंदी फिल्म में देखते तो आपको पता होगा हिंदी फिल्म में एंड कहां होती है, जहां हीरो की शादी हो जाती है, उसके बाद दी एंड आ जाता है, क्योंकि इसके आगे की कहानी फिर आप समझ जाओ। तो जब प्यार होता है तो किशोर दा के गाने, और शादी होने के बाद जब पत्नी, जब प्रेमिका पत्नी बन चुकी, अब टॉर्चर शुरू, पत्नी का टॉर्चर शुरू। अब उस टॉर्चर को देखकर पति को अपने बैचलर दिन याद आते हैं, कहता है गाने रफ सब गाना, 5 साल के बाद रफ सब गाना, जब पत्नी का टॉर्चर, मुझे दर्द पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेला यूं ही मजे लेता, मुझे आप किस लिए मिल गए। फिर 5-10 साल के बाद मुकेश जी गाना, आदमी पत्नी से इतना तस्त और टॉर्चर हो जाता है कि रिएक्ट करना भी छोड़ देता है। फिर मुकेश जी गाना, मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मेरे हाल को छोड़ दो, मुझे मेरे हाल को छोड़ दो, तुम भले ही सोना बेडरूम में, मुझे घर के हाल लेकिन वहां भी सताऊंगी तो फिर मेरा हाल